एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो जो ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन था वो कैंसिल हो गया। काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे इस टाइम पे ये बात बताते हुए आप लोगों को, क्योंकि क्या है ना, जल्दबाजी में और सिर्फ कंटेंट के लिए लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं और ऊपर मुंह करके भी थूक देते हैं, लेकिन बाद में समझ में उनको आता है कि वो थूक जो हमने ऊपर मुंह करके थूकी है वो वापस हमारे ऊपर ही आएगी। तो सेम कुछ ऐसा ही साइक्लोन जी के साथ हुआ। और अभी जो है वो वीडियो आया उनका, मैंने अभी देखा है। तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे चीज़ें समझ में आई कि देखो, थोड़ी देर के लिए ना मैं भूल गई थी और ये भी भूल गई थी कि जिस टाइम पे इनके हस्बैंड की डेथ हुई उस टाइम पे कौन आया कौन नहीं आया, क्या रिश्तेदारी है क्या नहीं है, है ना। वैसे तो यूट्यूब की फैमिली को माय यूट्यूब फैमिली बोला जाता है, लेकिन उसी यूट्यूब की फैमिली को ही एक मोहरा बनाया गया कि भाई यूट्यूब की फैमिली आकर उसके बच्चे के ऊपर आक्रमण कर देगी और उस बच्चे की हालात बिगाड़ देगी। मैं ये कहूँगी कि कहीं तुम्हें खतरा बच्चे से ज़्यादा अपना तो नहीं है, कि जो हरकतें कर करके तुमने जिस तरीके से सी बना बना के लोगों को अपने डॉलर बनाए हैं, अपने ये झोपड़े तैयार किए हैं, उसका डर तो नहीं है कि कहीं तुम्हारा ही भूत ना उतार दे लोग आके और तुम्हारा ही कहीं सेटिंग पूरी बराबर ना हो जाए और फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा कि तुमने दो झोपड़े एक साथ ले रखे हैं, है ना। तो उसके बाद तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई अपने घर तो बिठाएगा नहीं, और उस जगह के अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि जन्मदिन की जो पार्टी हो रही थी, जो सेलिब्रेशन हो रहा था, वो ना उसी घर के पास हो रहा था, उस घर के बाहर हो रहा था या फिर उसी घरों के अंदर हो रहा था। तो अब ये बाद में सोचा गया कि अगर लोगों ने आके आक्रमण कर दिया जिस तरीके से मैंने लोगों को सी बनाया है, किसी एक ने भी मेरे को उसका इनाम दे दिया, तो फिर मेरा क्या होगा? भरी महफिल में मेरा जुलूस निकलेगा, वैसे भी रोज़ निकलता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो जुलूस निकलेगा उसमें बैंड बाजे बारात सब कुछ निकलेंगे एक साथ। तो ख़तरा इस चीज़ का था जो कि अभी कैंसिल हो गया है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो अंधभक्त थे, जिन्होंने दूर दूर से टिकटें बुक कराई थी, दूर दूर से उन्होंने बहुत सी ऐसे गिफ्ट्स लेकर रखे थे, किसी ने लहंगा सिलवा रखा था, किसी ने कुछ सिलवा रखा था, किसी ने कुछ डिज़ाइनर से अपना बनवाने को दिया होगा, है ना, कोई गाउन बनवा रहा होगा, कोई कुछ बनवा रहा होगा, क्योंकि बर्थडे तो जो जन्मदिन था वो तो ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला था, यू नो, फर्स्ट बर्थडे ऐसा बनाया जा रहा था जो मतलब एकदम ग्रैंड तरीके से होने वाला था। लेकिन अफसोस सब सपना ही था, सब धरा का धरा रह गया। और जिस तरीके से स्क्रिप्टेड चीज़ें लिखकर लाई जाती हैं रोज़ डेली, सेम उसी तरीके से स्क्रिप्टेड था ये भी, और इतना ज़्यादा गंदे तरीके से इस चीज़ को किया गया कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतने बड़े बड़े बोल बोल के और फिर इस तरीके की टुच्ची हरकत करके, शर्म नहीं आती तुम्हें? मतलब बिल्कुल शर्म नहीं आती? इंसान जब एक चीज़ सोशल मीडिया पर बोल देता है ना, तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि इंसान की जुबान भी बहुत वैल्यू करती है, है ना। लेकिन खैर, तुम्हारी तो जुबान है ही नहीं तो क्या ही बोलें, पर ये सोच समझ के चीज़ें होती हैं। चाहे कोई 4 लोगों को बुलाए, चाहे कोई 40 लोगों को बुलाए, ऐसी सारी बातें ना बहुत ज़्यादा सलाह करके, घर वालों से डिस्कस करके और हर एक चीज़ का बजट निकाल के, हर एक चीज़ की अपनी औकात के अकॉर्डिंगली चीज़ों को देख कर, फिर इंसान सोशल मीडिया पे या किसी के इनविटेशन को देता है, किसी भी फैमिली मेंबर को या फिर किसी भी जान पहचान को इनविटेशन तभी जाता है। और इस तरीके से इनविटेशन देने के बाद एकदम उस इनविटेशन को कैंसिल करना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। और ये तो भीगी हुई चप्पल है जो तुमने अपने ही ऑडियंस के मुँह पर मारी है। वैसे तो एक तरफ से बोलती हो कि भैया हमारी तो प्यारी ऑडियंस जो है वो मेरी स्वीट फैमिली है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे आप ही हो जो भी हो, लेकिन आज उसी जो फैमिली है, जो वही यूट्यूब की फैमिली है, उसी से आज इतना खतरा हो गया कि भैया घर में आके मेरे कहीं कुछ तांडव ना हो जाए, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बुलाना चाहती, बिकॉज मुझे धमकी मिल रही है। धमकी तो तुमने खुद ही अपने आप को लिखी है, मुझे जहाँ तक लगता है, ये सारे स्क्रिप्ट को ख़त्म करने के लिए, बिकॉज तुमने ये चीज़ तो पहले ही अनाउंस कर दी थी कि मेरी 4 वीडियोस आएंगी, तो ये सब तो पहले से ही बना बनाया प्लान था।
और आप लोगों ने देखा कि उस प्लान को कितने अच्छे तरीके से इसने मोड़ा है। इसने कैसे मोड़ा है उस प्लान को, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, इसने बोला कि जो प्लान मैंने बनाया है वो प्लान मैं एकदम से फ्लॉप कर रही हूँ और आपको मना कर रही हूँ कि कैंसिल हो गया सब कुछ, आप मत आओ, बिकॉज़ मेरे कोई रिश्तेदार हैं नहीं और जिनके घर मैं खा पी के आई हूँ वो लोग मना कर रहे हैं, नहीं आएंगे। तो मैं ये कहूँगी वो लोग नहीं आएंगे, तो YouTube की फैमिली तो तुम्हारी आ रही थी ना, वो तो लोग सब आ रहे थे, उन्होंने तो मना नहीं किया, तुमने तो खुद बोला था कि मैं एड्रेस बता रही हूँ और आप सब लोग आना है, तो जिसके साथ जो होना होगा वो तो हो सकता है, अभी भी हो सकता है, तुम नहीं भी इन्विटेशन दे रही तब भी हो सकता है, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि अब इसने ये बोला कि मैं देखो सामान जो लाई हूँ ख़रीद के, डिस्पोजल वाला जो सामान है वो तो मैं यूज़ कर लूँगी, आप सबको पता है वो तो यूज़ हो जाएगा, तो मैं ये कहूँगी वो तो तुम जानबूझ के ख़रीद के लाई हो, क्योंकि तुमने आगे जो हस्बैंड वाला स्क्रिप्ट लाना है उसमें तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा बर्तन धोने का, तो इस वजह से वो पत्तल काम आएंगे तुम्हारे कि खाया और फेंक दिया, तो वो यूज़ हो जाएगा, वो तो हमें भी पता है ना, क्योंकि घूम फिर के तो स्क्रिप्ट में यही आता है कि मोटर ख़राब हो गई, पानी नहीं है तो बर्तन कैसे धोऊं, है ना। तो ये सारा स्क्रिप्ट तो पुराना है, तो हस्बैंड वाले स्क्रिप्ट में जब बनाओगी तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी ना, काम नहीं हो पाएगा, तो वो जब काम नहीं हो पाएगा तो पत्तल काम आ जाएंगे। उसके बाद रही बात पोछे की, तो पोछा तो एक ज़रूरी चीज़ थी, चलो लोगों ने बोला तो तुमने भी सोचा कि जल्दी पोछा लग जाता है इससे, तो चलो मैं ले ही आती हूँ, पोछा लगा लूँगी, चलो पोछे के ऊपर खर्चा कर लिया। अब वो जो म्यूट जग लाई हो वो इसलिए लाई हो क्योंकि तुम्हारे पास छोटा सा था, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई पानी स्टोर करने के लिए कोई कुछ था नहीं, तो तुम्हें लगा कि चल ले लेती हूँ, इसमें बर्फ़ डाल दूँगी तो पानी ठंडा रहेगा, हम लोग पीते रहेंगे, तो वो चीज़ भी एक ज़रूरत की चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद रही बात कुर्सियों की, तो कितना दिमाग है इसमें, देखो इसने प्लान कैंसिल होते ही पहले ही प्लान बनाया हुआ था कि वो कुर्सी इंस्टीट्यूट खोल लूँगी और उसमें यूज़ कर लूँगी, तो इसीलिए तो ये 15 लाई है, क्योंकि इसने पहले से ही प्लान बना रखा था। तो ये बेवकूफ़ किसी और को समझना, जितने बेवकूफ़ तुम बनाती हो उतना कोई भी नहीं है, ठीक है। ये प्लानिंग तुम्हारी पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग थी, और ये तो सिर्फ नाटक किया गया कि मैं बच्चे के ऊपर इतना खर्चा कर रही हूँ, क्योंकि लोग बोलेंगे कि भैया अभी हमने ही किया, अभी तो मैं इतना देखा और उसके पैसे बने तो मैं ऐसे वेस्ट कर रही हूँ, है ना। ये मैडम कहती है कि चलो पार्टी जो हो रही थी वो कैंसिल हो गई, लेकिन बच्चे के स्कूल में भी अब मैं मतलब रोक लूँगी पैसे को, तो ऐसी औरत तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, सच बता रही हूँ, ऐसी मैंने कहीं नहीं देखी जो इतना ज़्यादा लीचड़पंथी करे अपने बच्चे के लिए। वैसे एक मुँह से कहती है कि मैं बहुत अच्छा करना चाह रही हूँ उसके लिए, मैंने आज तक नहीं किया, चलो करूँगी, अच्छी बात है। स्कूल में तो छोटे छोटे बच्चों को ही सोच रही है 5,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा, मतलब सोचो इसकी सोच कितनी छोटी हुई ना फिर, कि 5,000 का खर्चा आ जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को हम क्यों खिलाएं, कोई किसी का नहीं होता। तो मैं ये कहूँगी कि तो फिर तो लोग बेवकूफ़ है, कोई किसी का नहीं होता, तो तुम लोग इसको देख के डॉलर क्यों बना रहे हो फिर, इसके बाढ़ में जाने दो ना फिर, तुम लोग भी अंधभक्तों को भी मैं ये बात बोलूँगी कि आज भीगी हुई चप्पल पड़ी तो तुम लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया, मेरे को बताना ज़रूर कमेंट करके। जाना या नहीं जाना वो बात की बात थी, लेकिन पहले इनवाइट करके उसके बाद मना कर दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख भी रहे हैं कि हमने तो आने वाले थे हम लोग, तो तुमने ये क्या कैंसिल कर दिया प्लान। देखो कोई भी बंदा ना वेला नहीं होता कि अपने घर से मुँह उठा के गर्मी में किसी के घर इतना दूर ट्रैवल करके जाए और वहाँ फंक्शन देखे या ना देखे या कर पार्टिसिपेट करे या ना करे, या खाली हाय हेलो करके या कुछ शगुन दे के वापस आ जाए, मिलके ही वापस आ जाए, तो कोई वेला इतना नहीं होता। अगर कोई इंसान आ रहा है तो मुझे लगता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहले तो इतने बड़े बड़े अक्षरों में कम्युनिटियाँ डाल दी, फिर उसके बाद इस तरीके से बेइज्जती करना मुझे लगता है बहुत ख़राब है। और जब इसको इतनी लीचड़पंथी हो रही है कि भाई दूसरे को मैं अपने पैसों का कुछ क्यों खिलाऊं, तो मैं ये कहूँगी कि फिर तो लोग पागल है जो इसको देख रहे हैं, देखो भी मत इसके पैसे, तो ऑलरेडी 2 मकानों के तो उतर चुके हैं ना, तो देखने का मतलब ही नहीं बनता फिर तो। फिर तो आप लोग पागल हो जो अपना टाइम वेस्ट करते हो इसके वीडियोस को देखते हो, किसी अच्छे इंसानों को देख लो जाके यार, जिसको सच में ज़रूरत हो, है ना। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और अभी हस्बैंड वाली जो स्क्रिप्ट आई है उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है मेरा दूसरे चैनल के ऊपर, तो आप लोग ज़रूर देखना, इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, तो आप उस पर ज़रूर देखना। सुबह भी मैंने एक वीडियो उस पर पोस्ट की थी और अभी भी मैं कर दूँगी रात तक, तो आप लोग देखना ज़रूर, कम्युनिटी में लगा हुआ है।
और शायद इसके ऊपर इस वीडियो के बाद शायद एक वीडियो अभी और आए, अगर अभी नहीं आएगा तो सुबह 10-11 बजे तो ज़रूर आएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।